अस्सलामुअलैकुम, कैसे हैं आप सब। तो अभी हम लोग जा रहे हैं अपनी नानी के घर, तो अभी वहाँ चल के मिलते हैं। तो अभी हम लोग नानी के घर पे आ चुके हैं और हम लोग ऊपर जा रहे हैं। और ये रही मम्मा और ये रहे हीना और नवी। और ये मुसलसल ऐसी झूठ बोल रही है। तो ये तरह गई हाँ हवा लेना है हमें। हवा ही नहीं मिलती, हम ऑक्सीजन के बिना ज़िंदगी गुजार रहे हैं। मतलब आप इतने सालों से यहाँ पे जब नहीं आती तो आपको कैसे मिलती थी? बस अल्लाह की करम से गुजार रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम, तो कैसे हैं आप सब? और अल्हम्दुलिल्लाह हम भी बिल्कुल ठीक हैं। और मैं अम्मी के घर आई हुई हूँ और अभी शाम का टाइम है, तकरीबन 6 बज रहे हैं। कुछ ज़्यादा ही ट्रैफिक हो रहा था अभी, तो अब हो नहीं रहा। तो यहाँ पे हिफ्सा और अजान, ये आ गया मेरे दोस्त ताली, देख सकते हैं आप, ये आ गया मेरे दोस्त अजान। बच्चों को तंग कर रही है ये वो है जो बच्चों को तंग करती है। ना मैं ताली अजान, हमें भी तो खिलाओ अजान, लाओ हमें भी खिलाओ भाई, हमें भी तो खिलाओ खिलाओ भाई अजान। देखो कितना अच्छा बच्चा है, निकल नहीं रही बस ये कुछ। चले अजान की साड़ी निकाल ले, अजान को खाली पैकेट दे। ओ खत्म हो गई, ये मेरी है। ताली मारो जल्दी से, नहीं मार रहा वो, मूड में नहीं है अभी। ये बहुत बड़ा बिजी इंसान हमारे साथ खड़ा हुआ है, बिजी नहीं कुछ काम कर रहे हैं। हां क्या कर रहे हो? तो सबसे पहले यहाँ पर मैंने मीठा बनाने की तैयारी कर रही हूँ और दूध को मैंने बॉईल करने के लिए रख दिया है और इसमें चीनी भी डाल दी है। और अब हम इसमें कस्टर्ड पाउडर डालेंगे। तो सबसे पहले कस्टर्ड इसलिए बना रही हूँ ताकि ये ठंडा हो जाए और इसे फ्रिज में रख दूँ। और साथ में यहाँ पर चाय भी बन रही है। तो मेरी छोटी बहन वो भी अभी आई है और इसकी तबीयत ठीक नहीं है, इसे बुखार हो रहा है। तो आज हम एक साथ इकट्ठे हुए हैं, वरना ऐसा होता है कि कभी वो आती है तो मैं नहीं जा पाती और जब मैं जाती हूँ तो वो नहीं होती है, और फिर जब हमें टाइम मिलता है तो हम तभी मिलते हैं। और अम्मी भी मुझे देखकर खुश हो गई हैं। और वैसे भी मैं बहुत कम आती हूँ लेकिन थोड़े थोड़े दिनों के बाद आती रहती हूँ और अम्मी के घर आने की भी एक अलग ही खुशी होती है और अच्छा लगता है। तो वैसे तो मैं अभी रबी अव्वल पर अम्मी के घर आई थी, शाम की चाय भी मैं पीकर नहीं आई थी। तो अभी सब इकट्ठे बैठे हैं और चाय पी रहे हैं, तो गपशप हो रही है। तो अभी गोश्त को गलने के लिए मैंने रख दिया है और इसका मैं चाइनीज़ पुलाव तैयार करूंगी। और यहाँ पर चाय पीने के बाद काफ़ी सारे बर्तन हो गए थे तो वो भी मैं धो लूँगी। चाय पीने के बाद यहाँ पर मैंने खाना बनाने की तैयारी शुरू कर दी है और अभी यहाँ पर पाए बनाने की तैयारी कर रही हूँ। और ऑयल को मैंने गरम कर लिया है और इसमें तमाम मसाले डाल दिए हैं। लाल मिर्चों का पाउडर 2 चम्मच, धनिया पाउडर 4 चम्मच, हल्दी पाउडर 1/2 चम्मच और नमक आप अपने टेस्ट के हिसाब से डाल सकते हैं। और साथ में मैंने लिया है साबुत गर्म मसाला, तो इसमें मैंने लिए हैं लौंगें, दालचीनी, काली मिर्चें और बड़ी इलायची। ये तमाम मसाले इसमें ऐड कर दिए हैं और अब मैं इसे थोड़ा पानी डालकर भून लूँगी और एक प्याली के करीब
दही ये भी मैं इसमें अभी ऐड कर दूंगी और इसे अच्छे से भून लूंगी ताकि इसका ऑयल ऊपर आ जाए और इसका कच्चापन बिल्कुल ख़त्म हो जाए। और अभी मगज़ बनाने के लिए प्याज और टमाटरों को अम्मी ने काट दिया है और प्याज को मैं गोल्डन फ्राई कर लूँगी और फिर इसके अंदर टमाटर, कुटी हुई लाल मिर्चों का पाउडर, नमक और अदरक लहसुन का पेस्ट ये भी इसमें डाल दिया है और मैं इसे भून लूँगी। मगज़ को इसमें डाल दूँगी और दम में लगा दूँगी। और अभी सारा खाना तैयार हो गया है और अभी हम लोग यहाँ पर खाना खा रहे हैं। तो अगर आपको मेरी आज की वीडियो अच्छी लगी हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और दुआओं में याद रखिएगा और अपना बहुत बहुत ख्याल रखिएगा। जब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।